बचपन में 420 गाना सुनते थे बोहेमिया का। उसके बाद मेरा 12th के बोर्ड का रोल नंबर भी 420 आया था। फिर फर्स्ट ईयर में भी मेरा रोल नंबर 420 था और अपने अभी सब्सक्राइबर भी 420 हैं। समझ रहे हो मैं कितना बड़ा 420 हूँ? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई एम कमल धनखड़। तुम्हें पता ही है इसलिए तो चैनल पर बैठे हो। कितना बोरिंग इंट्रो है यार। एनीवेज गाइस, आज का वीडियो बहुत मस्त होने वाला है बिकॉज मैं पहली बार अपने बालों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले मैंने लॉकडाउन में सोचा था, अब क्रोनोलॉजी समझता, पहले मैंने लॉकडाउन में बाल बढ़ाने का सोचा, उसके बाद मेरे भाई ने मेरे को गंजा ही कर दिया। याद है वो वीडियो? यार क्या है, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। जैसे तैसे मेरे बाल आए तो मिस्टर आयुष ने हमें कमेंट किया, वीडियो हेयर के ऊपर बनाओ, डेली रूटीन ऑफ हेयर, आग आग ज्वाला ज्वाला। आज मैं आपके सामने एज पर द टाइटल बहुत ही ऑनेस्ट हेयर रूटीन लेके आया हूँ, मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट हेयर रूटीन। सबसे पहले आता है हेयर ऑयल। मैं हेयर ऑयल नहाने के बाद नहीं लगाता, मैं नहाने से पहले लगाता हूँ। मैं नहाता ही 2-3 दिन में एक बार हूँ, बिकॉज जब भी मैं तेल लगाता हूँ मुझे पता है कि नहाने जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तेल ही नहीं लगाता। और जब भी मैं नहाने जाता हूँ मुझे पता होता है कि मैंने अभी तक तेल ही नहीं लगाया, इसलिए मैं नहाने नहीं जाता। तो इसी कश्मकश के बीच में अमावस और पूर्णिमा 15 दिन के गैप में कभी तुक्के से मैं एक दिन तेल लगा लेता हूँ, और वो आज अमावस्या का दिन है। आज मैं तेल लगाऊंगा, और तेल मैं खुद नहीं लगाता, तेल मैं अपनी मम्मी से लगवाता हूँ, और मम्मी बस एक बार कहने में तेल लगा देती है। अब बात आती है मैं तेल कौन सा लगाता हूँ। देखो पहले तो मैं कोई भी तेल मसल लिया करता, लेकिन आजकल मेरे थोड़े नखरे हो गए। ये 4 तेल हैं और सरसों का तेल भी है। सरसों का तेल सबसे बेस्ट तेल है, वो किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी वो बेस्ट तेल है। कुछ भी अवेलेबल ना हो तो सरसों का तेल इज द बेस्ट। उसके सिवाय अगर कंपनी वालों की बात करें तो ये 4 तेल आते हैं। सबसे पहले ये आलमंड ऑयल, ये थोड़ा मेरे को सिंथेटिक सा फील होता है इसलिए मैं आलमंड ऑयल यूज नहीं करता। उसके बाद आता है कैस्टर ऑयल। देखो भाई, जब नहाता ही 2-3 दिन में एक बार हूँ, 15 दिन में जाकर तेल लगाता हूँ तो थोड़े नखरे होते हैं, मैं थोड़ा चूज करके रिपीट करता रहता हूँ, कभी ये तो कभी वो, कभी ये कभी वो। उसके बाद आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, मैं इसको सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। एंड उसके बाद आता है ऑलिव ऑयल। यहाँ पे किसने रख दिया? मैं आज लगाने वाला हूँ ये कोकोनट ऑयल। मैं कोकोनट ऑयल यूज करूंगा और इसको थोड़ा सा कटोरी में निकाल लूंगा। उसके साथ मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल नहीं, साथ में नींबू भी मिक्स करूंगा, क्योंकि जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़े नखरे करके दिखाना तो जरूरी है। और इसी चलते मैंने गूगल पे चेक किया तो मुझे पता चला इससे डैंड्रफ में हेल्प होती है, बालों की थिकनेस बढ़ती है, बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, शाइनी होते हैं, और जो भी आप बालों से उम्मीद करते हो वो सब हो जाता है इससे। कोकोनट ऑयल प्लस लेमन रेडी है, अभी मम्मी के पास चलते हैं तेल लगवाने, जैसे कि मम्मी हमेशा फ्री रहती हैं और हेल्प करती हैं। मम्मी हाँ, तेल लगा दो। काम कर रही हूँ, प्लीज लगा दो मम्मी। ना भाई, एक सेकंड, मैं जब भी नहाता हूँ ना मैं शैम्पू करता ही करता हूँ। देखो ये गलत है कि आप जब भी नहाने जाओ आप हमेशा शैम्पू करो, लेकिन यार मेरे रीजंस कुछ अलग है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, जब मैं नहाता ही 2-3 दिन में एक बार हूँ तो जब भी मैं जाता हूँ मैं शैम्पू करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है आगे यार मौका मिले ना मिले, पता नहीं आगे तू कब नहाएगा, नहाएगा नहीं नहाएगा, सो मैं कर लेता हूँ।
अभी मैं नहाने जा रहा हूँ और मैं अकेले ना हूँ, मैं साथ में नहीं रहूंगा। एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं शैम्पू कौन सा यूज करता हूँ। फिलहाल मेरे पास तीन टाइप के शैम्पू है। सबसे पहला ये बियर शैम्पू, मैं ये हमेशा तो क्या कभी भी यूज नहीं करता क्योंकि ये मेरे भाई का शैम्पू है और उसको अगर पता चल गया मैंने यूज किया, वो मेरी इतनी गंदी मारता है, इतनी गंदे से सूखता है, मेरे को उठते बैठते मुझे याद आता है कि मैंने उसका शैम्पू यूज किया था। उसके बाद आता है ये डव का शैम्पू। खाली है यार, मम्मी क्यों रखते हो ये, शॉफ थोड़ी है। उसके बाद आता है लॉरियल का शैम्पू। मेरे ज्यादा नखरे नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, ये वो शैम्पू है जो डीमार्ट में सबसे सस्ता मिलता है और सबसे बड़ी पैकिंग में है, इसलिए मैं ये यूज करता हूँ। Yes, मैं नहा चुका हूँ और आयुष भाई की वजह से आज मुझे बालों में इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं नहा लिया होगा, एटलीस्ट आई डिजर्व अ नोबल प्राइज, ऑस्कर ही दे दो, कम से कम ऑस्कर। एंड यस, मैंने आपको मेरे कंडीशनर के बारे में नहीं बताया। मेरे पास दो कंडीशनर है कि मैं इन दोनों में से कोई भी यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ एक स्पेशल प्रोडक्ट, वो है ये। वैसे ये घड़ी का डब्बा है, इसके अंदर एक बहुत ही प्रेशियस पाउच के अंदर मैंने ये रखा हुआ है, बिकॉज ये चीज ही कुछ ऐसी है। दिस इज फॉरेस्ट एसेंशियल का कंडीशनर और मुझे ये बहुत पसंद है। ये कंडीशनर मेरी बहन ने दिया था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है और आज तक का ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट भी है। मैं इसको सिर्फ होली दिवाली या किसी डेट पे जाना होता है तो ही लगाता हूँ और इसके अंदर कम से कम 10 टाइम का यूसेज होता है, बट ये आधा भी नहीं हुआ है और अभी तक मैं इसको 15 बार से भी ज्यादा यूज कर चुका हूँ और मैं इसको तिजोरी में भी रखता हूँ। इसको 3 साल हो चुके हैं। सो So guys, this was my daily hair routine वाला video। इसमें से मैं सारी चीजें करता हूँ, मैं time to time तेल भी लगाता हूँ और coconut castor, साथ में lemon, egg सब mix करता रहता हूँ और दही भी use करता हूँ sometimes। टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली मैं चेंज करता रहता हूँ, कुछ भी फिक्स नहीं होता। एंड यस, मैं नहाता भी हूँ, मैं शैम्पू भी करता हूँ, मैं कंडीशनर नहीं करता, मैं कंघी भी नहीं करता, बस ये सब चीजें थी। एंड यस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, ये वीडियो आपको ऑनेस्ट लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, आपको ये पता, जिंदगी में जहां पे भी लाल चीज दिखे ना दबा देनी चाहिए। सो गाइस, बाय बाय, एंड मेरे को ऐसे ऐसे सजेशन देता रह करो ताकि मैं इन चीजों का सत्यानाश करता रहूं। बाय। मुझ में और मेरे बालों में कुछ सिमिलैरिटीज है, ना मैं एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हूँ ना मैं एक्सट्रीम राइटिस्ट हूँ, वैसे ही मेरे बाल है, ना इनको ज्यादा राइट की पड़ी रहती है ना लेफ्ट की, ये न्यूट्रल रहते हैं और सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड होते रहते हैं। दूसरी चीज, ना मेरा कोई डेली रूटीन है ना कोई इनका डेली रूटीन है।